हेलो एवरीवन दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और मिस्टर ऐश मुफारिस सर ने ऑन पैसिव 360 में आकर के कुछ शानदार अपडेट्स दिए हैं, वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। हालांकि बहुत ज़्यादा बिजी थे ऐश मुफारिस सर और उनकी काफ़ी सारी मीटिंग्स भी थी, इसके बावजूद भी उन्होंने कुछ अपडेट्स शेयर की है। तो बिल्कुल आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो कार्ड्स पेमेंट की जो बात की गई, तो कार्ड्स पेमेंट की जो लिमिट है वो डेली कुछ ना कुछ इंक्रीज उससे किया जा रहा है, मतलब उसे बढ़ाया जा रहा है। अभी करीब 20% डेली जो है यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है कार्ड्स पेमेंट की जो लिमिट है उसको। तो आने वाले वीक में हो सकता है कि हमारे जो पेमेंट प्रोसेसर हैं, जो कार्ड्स के थ्रू हम पेमेंट करते हैं, वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे और हम आसानी से जो है बाकी जो भी हम करना चाहते हैं पैकेज वाइज वो आसानी से कर सकते हैं। तो इस पर डेली जो है प्रोसेसर पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो ग्लोबल सॉल्यूशंस पे काम चल रहा है, मतलब एक पेमेंट प्रोसेसर जो है इतने सारे प्रोसेसर एक साथ काम नहीं कर सकते, एक सिंगल प्रोसेसर, इसलिए कई सारे जो पेमेंट प्रोसेसर हैं ग्लोबल प्रोसेसर उस पर यह है जो काम किया जा रहा है, ताकि क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पैकेज बाय करने वाले और बहुत सारे और भी लोग हैं, तो इसमें ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से कई टाइप के पेमेंट प्रोसेसर होंगे और शानदार तरीके से वो आने वाले दिनों में काम करने वाला है। और ये जितने भी ग्लोबल सॉल्यूशन रहेंगे सारी कंट्री में, जो भी ज़रूरत है उसके हिसाब से कैसे बैंक के थ्रू काम करने, कैसे इसमें प्रोसेसर काम करने, तो ये ज़बरदस्त तरीके से आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलने वाला है। वैसे कार्ड पेमेंट को लेकर के लगता है लोगों को ये बहुत आसान ये प्रोसेस होगी, ये करना बड़ा आसान है, लेकिन एक्चुअली अगर वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो एक तरीके से यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं बैंक में और करने पड़ते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हो रही है, प्रोसेस आप देख रही हैं, जितने भी प्रोसेसर हमारे काम कर रहे हैं, तो जस्ट इस पर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं काम चल रहा है, बट इसे जस्ट हमें देखते रहना पड़ेगा। और इसलिए पेमेंट प्रोसेसर पर लगातार जो है काम चल रहा है, बैक ऑफिस की टीम ने यहाँ पे दिन रात जो है 24 आवर्स कहीं ना कहीं काम कर रही है और आने वाले दिनों में हमारे जो पेमेंट प्रोसेसर है और भी ज़्यादा जो है स्मूथ हमें देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे मिस्टर ऐश मुफारिस ने बल्क पेमेंट्स की बात की, यहाँ पे बल्क पेमेंट भी जैसे हो जाते हैं तो उसके बाद में फिर हो सकता है एक बार फिर से हमें जो है रीसेट करना पड़े, बल्कि रिफ्रेश करके और फिर से जो है नई शुरुआत होगी। तो बल्क पेमेंट की बात भी यहाँ बहुत ही बढ़िया जो है मिस्टर ऐश सर ने जो है कही है। पेमेंट हो जाते हैं उसमें ये भी होगा शानदार काम कि इसमें जितने भी पेंडिंग विड्रॉल है वो यहाँ पर क्लियर किए जाएँ, मतलब बहुत जल्दी हमारे पेंडिंग विड्रॉल जो है वो भी क्लियर हो जाए और इसके बाद में फिर से नई प्रोसेस फिर शुरू हो जाए और फिर से हमारा जो यहाँ पे नए तरीके से फिर और पेमेंट्स वगैरह कैसे होने क्या होने, तो इसके बाद में हो सकता है कि फुली चांसेस हैं कि हमारा यहाँ पर जो है वीकली पे आउट की शुरुआत भी हो जाए। तो जस्ट उसका भी हमें वेट करना है, देखते हैं आगे क्या इसमें और प्रोसेस होती है। और कई लोग थे जिन्होंने विड्रॉल लगाए थे, सोच रहे थे बैंक में लगाएं, क्रिप्टो में लगाएं, कैसे लगाएं, खासकर इंडिया में भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी आपने देखा होगा कि कन्फ्यूज थे किस में लगाएं और इस वजह से कहीं पेमेंट फंस गए या कुछ हो गया है। तो इस पर भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है ताकि जैसे यहाँ पे ताकि लोगों को ईजी हो जाए, वो आसानी से जो है आराम से अपने जो है पे आउट्स वगैरह भी यहाँ पर ले सकें। और स्पेशली उन्होंने बहुत ही बढ़िया बात कही थी, खासकर जो पेमेंट्स प्रोसेसर और उसके अलावा जो है एक इंटरेस्टिंग है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है इंडिया में जो है या UPI के थ्रू जो है पेमेंट ट्रांजेक्शन हो सके, मतलब आप आसानी से कर सकें इसमें। मतलब कहने का है कि कार्ड्स पेमेंट के अलावा और क्रिप्टो के अलावा और भी ऑप्शन जो है ओपन हो जाएंगे, खासकर इंडिया में तो रहेगा ही रहेगा, इस पर ज़्यादा फोकस्ड इंडिया में ही है, बट इसके अलावा पूरे कंट्री में कहीं भी और भी कोई तरह का प्रॉब्लम होता है या कुछ होता है कार्ड पेमेंट्स को लेकर के, तो उसके अलावा भी हमारे पास बैंक्स के ऑप्शन मौजूद होंगे। तो ये चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे प्रोसेसर के अलावा जो है बैंक के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें और हो जाए जिसके थ्रू ट्रांजेक्शन वगैरह हों, तो ये आने वाले दिनों में हमें अच्छी एक गुड न्यूज़ मिल सकती है। और स्पेशली जो मिस्टर ऐश मुफारिस ने जो है इंडिया के लिए भी स्पेशल कुछ बात ये भी कही थी कि भाई यहाँ पे जो भी अपडेट्स देते हैं, जो भी बंदे अपडेट्स देते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए जो रियल और सही हो, क्योंकि अभी हम इस स्टेज में आ चुके हैं, यहाँ पर इस लेवल पर आ चुके हैं कि यहाँ पर बिल्कुल जो एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर सही जानकारी और सही इन्फॉर्मेशन ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग हैं खासकर इंडिया में अपडेट्स दे रहे हैं, तो सोच समझ के एकदम सही जो है एकदम एग्जैक्टली जो है वो अपडेट आपको देनी है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो यहाँ पे किसी भी तरह की जो आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कहीं भी नहीं देनी है। ये सारी चीज़ें इसलिए भी हो रही हैं कि ताकि अभी जितने भी सारे जितने पेमेंट प्रोसेसर है काम करें और सभी सही तरीके से काम करने शुरू हो जाएं, और इसमें हर चीज़ को लगातार जो है तैयार किया जा रहा है बैक में और यहाँ पर सब कुछ एकदम क्लियर एकदम साफ सुथरा हो, इसलिए इन चीज़ों पर प्रोसेसर पर या जो पेमेंट्स गेटवे हैं उसके ऊपर लगातार जो है काम किया जा रहा है।
और एक और गुड न्यूज़ है, जैसे मिस्टर ऐश मुफारे सर बता रहे थे कि जो दिसंबर के सेकेंड वीक में या मिड दिसंबर में गुड न्यूज़ ये भी मिलेगी कि ओ कनेक्ट के नए फीचर्स तो हमें देखने को मिलेंगे, उसके अलावा कुछ नए प्रोडक्ट भी यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। तो मिस्टर ऐश मुफारे सर ये भी एक बात बता रहे थे कि उनकी पूरी प्रायोरिटी है, मतलब ये इस बात के लिए पूरी प्राथमिकता वो दे रहे हैं कि यहाँ पर वो कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हैं यहाँ पर हमारे जितने भी पेआउट्स भी क्लियर हो जाएँ और यहाँ पर जितने भी विड्रॉल्स हैं क्लियर हो जाएँ, ताकि आपको जो है नए पैकेज बाय करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, और हो सकता है इसमें कुछ हमें बोनसेस भी देखने को मिल जाए। मतलब कहने का यह है कि जो दिसंबर के सेकेंड वीक तक आते आते यहाँ पे हमें बहुत ही बढ़िया एक चीज़ यहाँ पे हो जाएगी कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं, जिसमें विड्रॉल्स भी क्लियर हो सकते हैं और पेआउट्स के इशू भी हैं वो पूरे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है वो कोशिश यही कर रहे हैं कि दिसंबर के जो बोल सकते हैं जैसे आते आते एंड तक आते आते, मतलब कहने का यह है कि जो अभी आने वाला क्रिसमस का सीज़न चलने वाला, क्रिसमस आने वाला है, तो क्रिसमस के पहले पहले जो एक फेस्टिवल की तरह आपको कुछ बोनस वगैरह ये भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो बस उसका हमें जस्ट वेट करना है। मतलब कहने का यही है कि मिस्टर ऐश वही चाहते हैं कि आपको जेब से कुछ ना देना पड़े और आप आसानी से अगर प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं कोई भी किसी भी तरह का, तो आप आसानी से जो है इससे कर सकते हैं। तो हमें देखना है इसमें क्या आने वाले दिनों में, जो दिसंबर के सेकेंड वीक तक, जो मिड दिसंबर तक, क्या अच्छी और भी हमें बहुत सारी गुड न्यूज़ मिल सकती है। और मिस्टर ऐश वही बता रहे थे कि काफ़ी सारे चैलेंजेस उन्हें आ रहे थे और अभी कुछ हद तक वो सारे जो है लगभग निपट गए हैं, और यहाँ पर फुली चांसेस हैं कि अभी आने वाले दिनों में हमें और जो इसमें देखने को मिल जाए। कि अभी जो एक हमारा एक बहुत बड़ा जो एक मैटर था कई लोगों की, हम किस तरह से जो अब एक कुल मिला के अगर देखें कि एक प्रॉब्लम थी कि यार हम कैसे पैकेज बाय करें, क्या होंगे, तो ये एक प्रॉब्लम जो है आपकी आसानी से यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी अगर यहाँ पर हमारे दिसंबर के जो है मिड वीक में कुछ अच्छे हमें यहाँ पे विड्रॉल्स, जो पेंडिंग विड्रॉल्स देखने को मिल जाएंगे, जिनके पेंडिंग विड्रॉल आ जाए या बोनसेस वगैरह कुछ इसमें हो सकते हैं, तो उसे हमें देखना है। और मिस्टर ऐश जैसे बता रहे थे कि ट्रैफिक की बात अगर करें, जैसे अब हम चाह रहे हैं कि ट्रैफिक हमें कम मिलेगा क्या होगा, तो जस्ट देखिए ये सारा जितना भी सिस्टम काम कर रहा है वैसे ही सही तरीके से काम जिस तरह से चल रहा है, तो आने वाले दिनों में अभी ये पूरी सारी चीज़ें जब सही हो जाती तो उसके बाद में जो नेक्स्ट रहेगा वो ट्रैफिक का ही जो है होने वाला है, जो कुछ होगा वो ट्रैफिक फिर आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाला है। तो बिल्कुल आप यहाँ हड़बड़ाए नहीं, ये मत सोचे कि अभी कब आएगा ट्रैफिक, कब तक मिलेगा, तो जस्ट वेट कीजिए, ट्रैफिक का भी यहाँ पर बारी आएगी आने वाले दिनों में, आप देखेंगे ट्रैफिक पर भी बहुत तेज़ी से जो हमें काम देखने को मिलने आ रहा है। चलिए ये तो हुआ, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि गुड न्यूज़ और मैं दे दूं ये अपनी तरफ से, क्योंकि मैंने चेक किया था जो ईमेल हमें मिले हैं अभी, जिन लोगों को ईमेल आ चुके हैं, जिन लोगों ने अपने जैसे पैकेज बाय कर लिए, जैसे मैंने 1 सितंबर 2023 को ही अपना पैकेज बाय कर लिया था, तो जो मेरे मेल हैं उस पर मेल ऑलरेडी आ चुका है कि भाई आपका जो है पैकेज वो एक्सटेंड कर दिया गया है, एक्सटेंशन हो गया है उसका, उसका मेल आ चुका है। लेकिन ये देखिए मुझे आया है 1 दिसंबर जो है कि डेट थी, लेकिन अब वो 31 दिसंबर बताने लगा है, मतलब कंपनी ने जो है अपनी तरफ से जो है एक्सटेंड कर दिया है, तो एक गुड न्यूज़ है। जैसे आपने भी कभी अपना जो पैकेज बाय किया होगा 1 सितंबर के आसपास, तो आपका भी यहाँ पर जो है ऑप्शन आ चुका होगा, या बोल सकते हैं आपका जो ईमेल कहीं ना कहीं आप चेक कर लीजिए, और बाकी जिन लोगों की डेट बात की थी जल्द सितंबर के बाद में अक्टूबर नवंबर की थी, वो भी बाद में देख लीजिएगा, उन्हें एक महीने बाद आप देखेंगे ऑटोमेटिकली उनका भी एक्सटेंड कर दिया हो गया होगा कहीं ना कहीं, तो किसी को मेल आए होंगे किसी को नहीं आएंगे, अगर नहीं आए होंगे तो आप वेट कीजिए, नहीं तो आप अपना जो है माय सब्सक्रिप्शन में जाकर के चेक कर लीजिए, जिन लोगों ने भी 1 या 2 सितंबर में अपने पैकेज बाय किए थे तो उन्हें भी यहाँ पे मेल आ गए होंगे, या माय सब्सक्रिप्शन में अपनी डेट जो है एक्सटेंड आप देख सकते हैं हो चुकी होगी। तो ये बहुत ही बढ़िया अपडेट जो है मिस्टर ऐश मुफारे सर ने दी है, उसके अलावा मैंने भी अपने पास से जो बताया था सब्सक्रिप्शन वाला जो है आपका पैकेज बाय का, तो कुल मिला के एक शानदार लेवल पर हम आ चुके हैं, और डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि दिसंबर की शुरुआत से और सेकेंड वीक से और भी कुछ धमाकेदार चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली हैं। तो बस दोस्तों बने रहिए ऑन पैसिव के साथ में, और लगातार अपडेट लेते रहिए और रियल इन्फॉर्मेशन जो है लेते रहिए। तो बाय बाय गाइस एंड लव यू ऑल।